हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो देखिए, यहाँ पर अपन फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको फिजिक्स को कहते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान। तो आपने जब साइंस लिया है तो साइंस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, वो चीज़ मैं आपको पहले ये चीज़ का बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। तो देखो, आपने जब साइंस लिया है तो साइंस में आपको एक तो पढ़नी पड़ेगी हिंदी, ठीक है, और एक पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश। ये तो आपको आर्ट्स वालों को पढ़नी पड़ती है, कॉमर्स वालों को पढ़नी पड़ती है, और आपको एजी वालों को पढ़नी पड़ती है, और साइंस वालों को भी पढ़नी पड़ती है। हिंदी और इंग्लिश तो जो आर्ट्स वालों को की वही आपके होती है। इसके अलावा आपको जो साइंस लेता है उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है, एक तो पढ़नी पड़ती है आपको भौतिक विज्ञान, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, PHYSICS, ठीक है, और इसको बोल अगले सब्जेक्ट अपने पास रसायन विज्ञान, जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, और एक होती है अपने पास जो बायोलॉजी लेता है बायोलॉजी, या मैथ लेता है तो मैथ, ठीक है। तो जीव विज्ञान या गणित, ये होता है। तो देखो, जो बायोलॉजी लेता है तो बायोलॉजी लेने वाले को क्या होता है, इसे हिंदी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ये तो पढ़नी पड़ेगी, और इसके साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई मैथ लेता है तो चार तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ गणित भी पढ़नी पड़ेगी, उसको जीव विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो गणित वाले को ओनली ये चार सब्जेक्ट और ये वाली पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई बायोलॉजी लेता है तो चार सब्जेक्ट और एक ये पढ़नी पड़ेगी, उसको गणित नहीं पढ़नी पड़ेगी, इस तरह से चलता है। तो अपन को यहाँ पर पढ़ेंगे अपन भौतिक विज्ञान के बारे में। तो देखो, भौतिक विज्ञान को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स क्या होती है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, ठीक है। तो देखो, भौतिक विज्ञान यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये भौतिक विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का ही एक भाग होता है। ठीक है, तो देखो विज्ञान है, विज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया गया, इसे भौतिक विज्ञान को पहले इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया, इसको बोलते हैं साइंस, SCIENS, ठीक है। इसमें अपन को तीन भागों में डिवाइड किया गया, एक तो होता है भौतिक विज्ञान, ठीक है, एक होता है रसायन विज्ञान, और एक क्या होता है जीव विज्ञान, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान, ये विज्ञान भौतिक विज्ञान है, जो किसका होता है पार्ट, भौतिक विज्ञान का ही एक पार्ट होता है। भौतिक विज्ञान है वो किसका होता है पार्ट होता है विज्ञान का एक पार्ट होता है, जिसमें अपन प्रकृति एवं प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और रसायन विज्ञान होता है, उसमें अपन पढ़ेंगे केमिकल के बारे में, रसायन पदार्थों के बारे में, सोडियम नाइट्रोजन इनके बारे में पढ़ा जाता है। तो रसायन पदार्थों के बारे में पढ़ा जाता है रसायन विज्ञान के अंदर, ठीक है। और जीव विज्ञान के अंदर जीव की बारे में पढ़ा जाता है, लिविंग के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वो होता है जीव विज्ञान। तो यहाँ पर अपन भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स सबसे लिया गया है, इससे लिया गया है उसी सबसे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है प्रकृति, ठीक है। तो देखो, यहां पर अपन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, तो विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान होता है प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं अपन, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया सबसे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है जानना होता है, ठीक है। और विज्ञान का एक पार्ट है कौन सा, भौतिक विज्ञान, क्या होता है भौतिक विज्ञान, हाँ,
तो भौतिक विज्ञान किसका पार्ट होता है? विज्ञान का एक पार्ट होता है, विज्ञान का एक पार्ट होता है जो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होती है। तो भौतिक विज्ञान में प्रकृति एवं प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये भौतिक विज्ञान हो गया। अब भौतिक विज्ञान को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, कई भागों में डिवाइड किया गया। तो भौतिक विज्ञान के कई पार्ट है, जैसे ठीक है, भौतिक विज्ञान के भी कई पार्ट है। एक होता है चिरसम्मत भौतिकी। क्या होता है? चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी ठीक है। एक होता है कौन सा? आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी ठीक है, जो होता है भौतिक विज्ञान के पार्ट, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। अब इसमें क्या होता है, ये जो चिरसम्मत भौतिकी में जो 1900 ईस्वी पूर्व की जो भौतिकी है वो कौन सी भौतिकी कहलाती है? चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। कौन सी भौतिकी कहलाती है? चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है ठीक है। और आधुनिक भौतिकी कौन सी? आधुनिक भौतिकी जो मतलब आज के युग की, मतलब 1900 ईस्वी बाद की भौतिकी कौन सी कहलाती है? आधुनिक भौतिकी कहलाती है। वो कौन सी कहलाती है? आधुनिक भौतिकी कहलाती है। तो आधुनिक भौतिकी में इसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया है ठीक है। एक तो होता है इसमें यांत्रिक भौतिकी। कौन सा होता है यांत्रिक भौतिकी में? इसमें होता है आपेक्षिकता। ठीक है, एक होता है क्वांटम भौतिकी। एक होता है इसमें परमाणु भौतिकी। और इसमें एक होता है परमाणु भौतिकी के अलावा नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी ठीक है। जबकि यहां पर चिरसम्मत भौतिकी में है, चिरसम्मत भौतिकी में है एक होता है यहां पर यांत्रिक भौतिकी। उष्मा गति की भौतिकी ठीक है, और एक होता है कौन सा? प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, और एक होता है ध्वनि विज्ञान। ये चीजें होती है। तो देखो भौतिक विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं? चिरसम्मत भौतिकी और कौन सा होता है? आधुनिक भौतिकी ठीक है। तो देखो चिरसम्मत भौतिकी जो अपने से पहले, मतलब बहुत समय पहले, मतलब 1900 ईस्वी पूर्व की जो खोजें हो चुकी थी वो कौन सी भौतिकी कहलाती है? चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। पुराने काल की, पुराने काल की भौतिकी कौन सी कहलाती है? चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। और आधुनिक भौतिकी मतलब जो 1900 ईस्वी बाद में जिसकी खोज हुई है वो कौन सी भौतिकी कहलाती है? आधुनिक भौतिकी कहलाती है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स ठीक है। और यहाँ पर देखो यांत्रिक भौतिकी, मैकेनिकल फिजिक्स, तो यहाँ पर यांत्रिक भौतिकी, तो ये होती है यांत्रिक भौतिकी किसका भाग होता है? चिरसम्मत भौतिकी, जो पुरानी ही भौतिकी है। तो यांत्रिक भौतिकी में किसी वस्तु की गतिकी या स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु की गतिमान अवस्था, किसका? गतिमान अवस्था या स्थिर अवस्था, गतिमान अवस्था या स्थिर अवस्था आदि का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी भौतिकी कहलाती है? यांत्रिक भौतिकी कहलाती है। वो यांत्रिक भौतिकी कहलाती है। और उष्मा गति की भौतिकी, यह भी भौतिक विज्ञान का एक भाग होता है, जिसमें उष्मा के बारे में, ताप के बारे में आदि का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी भौतिकी कहलाती है? उष्मा गति की भौतिकी कहलाती है। इसमें
जिसमें उष्मा के बारे में, ताप के बारे में आदि का अध्ययन किया जाता है वो कौन सी भौतिकी कहलाती है? उष्मा गति की भौतिकी कहलाती है। ये किसका भाग होता है? चिरसम्मत भौतिकी का भाग होता है, जो पहले हो चुका है 1900 ईस्वी पूर्व इसकी खोज हो चुकी है। एक होता है प्रकाश, प्रकाशिकी, इसमें प्रकाश के बारे में, इसके बारे में प्रकाश के बारे में पढ़ा जाएगा, और लेंस के बारे में पढ़ा जाता है। इसके बारे में पढ़ा जाता है, लेंस के बारे में पढ़ा जाता है, दर्पण के बारे में पढ़ा जाता है, आदि के बारे में पढ़ा जाता है, या प्रकाश की संचरण के बारे में पढ़ा जाता है, वो कौन सी भौतिकी कहलाती है? प्रकाशिकी भौतिकी कहलाती है। मतलब प्रकाश के बारे में, जैसे लेंस होता है, आपने कई 11वीं क्लास में पढ़ा है, वो 10वीं क्लास में पढ़ा है, 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 6वीं 7वीं से पढ़ के आ रहे हो कि प्रकाश प्रावर्तन अपवर्तन, ठीक है, दर्पण लेंस आदि के बारे में पढ़ते आ रहे हो। तो ये चीजें कहाँ पढ़ी जाती है अपने पास? ऑप्टिक्स में पढ़ी जाती है, प्रकाश की पढ़ी जाती है, जो अपने 1900 ईस्वी पूर्व की भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी के अंदर आता है। एक होता है ध्वनि विज्ञान, तो इसमें ध्वनि के बारे में या कंपनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी भौतिकी कहलाती है? ध्वनि विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास चिरसम्मत भौतिकी आपके पास कंप्लीट होती है। ठीक है, तो चिरसम्मत भौतिकी के पार्ट एक होता है अपने पास आधुनिक भौतिकी, कौन सा होता है? आधुनिक भौतिकी। अब आधुनिक भौतिकी मतलब 1900 ईस्वी बाद की भौतिकी, तो इसके भी कई पार्ट होते हैं। एक तो होती है आपेक्षिकता, तो इस आपेक्षिकता में उन पिंडों का अध्ययन किया जाता है जिनका वेग क्या होता है, जिनका वेग क्या होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसका वेग क्या, इसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, तो यह कौन सी कहलाती है? वो भौतिकी कौन सी कहलाती है? आपेक्षिकता कहलाती है। तो इन आपेक्षिकता में उन पिंडों का अध्ययन किया जाता है जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होते हैं, उनके समान होती है, उनका उनको क्या कहते हैं? आपेक्षिकता कहते हैं। एक होता है क्वांटम भौतिकी, क्या होता है? क्वांटम भौतिकी। तो क्वांटम भौतिकी में कणों के बारे में या आदि का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी कहलाती है? क्वांटम भौतिकी। नवीन न्यूमक भौतिकी को क्वांटम भौतिकी कहते हैं। और एक होता है परमाणु भौतिकी, जिसमें परमाणु के बारे में, परमाणु की संरचना, परमाणु के गुण या परमाणु बम आदि का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी भौतिकी कहलाती है? परमाणु भौतिकी कहलाती है। एक होता है अपने नाभिक की भौतिकी, जो नाभिक के बम होता है, नाभिक की संरचना होती है। अपन बोलते हैं कि नाभिक में क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या होती है? नाभिक होती है। तो नाभिक के बारे में जो ज्ञान की प्राप्त किया जाता है, नाभिक की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, नाभिक में क्या क्या होते हैं, जैसे प्रोटॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, और उसकी कक्षा होती है। ठीक है, तो नाभिक का जो अध्ययन किया जाता है या नाभिक के गुण का अध्ययन किया जाता है, नाभिक के विखंडन, नाभिक के बम का अध्ययन किया जाता है, वो कौन से भौतिकी कहलाती है? नाभिक के भौतिकी कहलाती है। तो इस तरह से आपके पास भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान किसका भाग होता है? विज्ञान का एक भाग होता है। ठीक है, विज्ञान शब्द क्या होता है? विज्ञान क्या होता है? विज्ञान का भाग कौन होता है? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान है, विज्ञान का एक भाग होता है। पहले तो विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द साइंसिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना होता है। लेटिन इसका अर्थ क्या होता है? जानना होता है। ठीक है, और अपने पास आगे आता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान, जो कहाँ से लिया गया है? क्यूसी शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के कहाँ से लिया गया है? क्यूसी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होती है। क्या होता है? प्रकृति होती है। और इसके अंदर अपन भौतिक विज्ञान के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर प्रकृति एवं प्राकृतिक, प्रकृति एवं प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, तो वो कौन सी कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। अब भौतिक विज्ञान को भी अपन ने क्या बांटा है? चार भागों में डिवाइड किया, और दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? चिरसम्मत भौतिकी और कौन सी? आधुनिक भौतिकी। अब आप जानते हो चिरसम्मत भौतिकी, जो 1900 ईस्वी पूर्व की जो भौतिकी है वो कौन सी भौतिकी कहलाती है? यांत्रिक भौतिकी कहलाती है। और चिरसम्मत भौतिकी 1900 ईस्वी पूर्व की भौतिकी कौन सी कहलाती है? चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। और जो 1900 ईस्वी बाद में, मतलब जो अभी लेटेस्ट चल रही है, वो भौतिकी कौन सी कहलाती है? आधुनिक भौतिकी कहलाती है। तो देखो आपके पास है चिरसम्मत भौतिकी पुराने काल की, उसमें कौन कौन सी खोज हो चुकी थी? एक तो यांत्रिक भौतिकी के बारे में ज्ञान खोज हो चुकी थी, उष्मा गतिकी के बारे में खोज हो चुकी थी, प्रकाशिकी के बारे में खोज हो चुकी थी, और ध्वनि विज्ञान के बारे में खोज हो चुकी थी। तो ये किसके अंदर आता है? चिरसम्मत भौतिकी के अंदर आता है। और आपेक्ष आधुनिक भौतिकी में होता है आपेक्षिकता, क्वांटम भौतिकी और परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी के बारे में अध्ययन किया। तो देखो यहाँ पर आपके पास है यांत्रिक भौतिकी, जिसमें वस्तु की गतिमान अवस्था या स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है, वो भौतिकी कहलाती है यांत्रिक भौतिकी।
उष्मा गतिकी जिसमें उष्मा ताप आदि का अध्ययन किया जाता है वो कौन सी भौतिकी कहलाते हैं, उष्मा गतिकी भौतिकी कहलाती है। एक होता है प्रकाशिकी जिसमें प्रकाश के बारे में या प्रकाश लेंस के बारे में, दर्पणों के बारे में, प्रकाश के संचरण के बारे में, प्रकाश के गुण आदि का अध्ययन किया जाता है वो कौन सी कहलाती है, प्रकाशिकी कहलाती है। ध्वनि विज्ञान एक होता है ध्वनि विज्ञान जिसमें ध्वनि के बारे में, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कंपनों के बारे में आदि का अध्ययन किया जाता है वो कौन सा होता है, ध्वनि विज्ञान होती है। आगे चलते हैं भौतिक विज्ञान का आधुनिक भौतिकी में, तो आधुनिक भौतिकी में आपेक्षता तो इनमें उन पिंडों का अध्ययन किया जाता है जिनमें जिनका वेग क्या होता है, प्रकाश के वेग के समान होता है, तो उनको कहते हैं आपेक्षता, मतलब उससे कंपेयर की गई है, ठीक है, उसके सापेक्ष कंपेयर की गई है इसलिए आपेक्षता कहते हैं। एक होती है क्वांटम भौतिकी, क्या होती है, क्वांटम भौतिकी, तो ये भौतिकी के न्यूनीकरण है, नवीनीकरण के लिए नवीनीकरण के नियमों का अध्ययन किया जाता है इसमें, जिसमें क्वांटम या प्रकाश के क्वांटीकरण का या प्रकाश के जो द्वैत प्रकृति आदि का अध्ययन किया जाता है वो कौन सी आती है, क्वांटम भौतिकी कहलाती है। और एक होती है परमाणु भौतिकी जिसमें परमाणु के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु के गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है वो होती है परमाणु भौतिकी। एक होती है नाभिकीय भौतिकी तो जिसमें नाभिक के बारे में, नाभिक की संरचना, अब नाभिक कहाँ होती है, उस परमाणु के अंदर पाई जाती है, परमाणु के बीच में पाई जाती है, परमाणु होता है उसके चारों ओर क्या होते हैं, कक्षक होता है, बीच में क्या होती है, नाभिक होती है जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब प्रोटॉन तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, इस पर ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है। तो यहाँ पर नाभिक के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, नाभिक भौतिकी में अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से आपके पास ये भौतिक विज्ञान का भाग होता है, विज्ञान का भौतिक विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का एक भाग होता है। इस तरह से आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू, धन्यवाद।